Oh my dears, now we are going to start with the chapter that is dissolution of a partnership firm. यहाँ पे dissolution के अंदर आपको करना क्या है सब मालूम है. पी वाई क्यूज की सीरीज अपन कर रहे हैं. पी वाई क्यू के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. मैंने हमेशा बताया पी वाई क्यू कौन करेगा भाई साहब. पी वाई क्यू कौन करेगा? हाँ, जिसको कंफर्म है कि वो टेक्स्ट बुक उसका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एंड उसको अदर वैरायटीज कवर करने की जरूरत है. तो अदर वैरायटीज में उसको ना ही 21 सेट हाथ लगाने की जरूरत है ना कुछ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिक आपको पता होगा तो ही पी वाई क्यू मदद करेगा. पीवाई सबको बेसिक्स याद है कैसे क्या ट्रांसफर होता है, उसी हिसाब से आपको सब यहाँ पे सॉल्व करना है. ठीक है, मैं सीक्वेंस से जा रहा हूँ कि कोई भी जो क्वेश्चन रैंडमली आ रहा है उसी हिसाब से, अदरवाइज कुछ डिफिकल्टीज होगी तो वी विल गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, अगर क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देखते हो, पहला क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है. आ जा आगे का, आ जा बालक आ जा. सब स्वार्थी दुनिया है. हाँ, ये स्वार्थी लोग है सब. स्वार्थी के साथ बैठे तो स्वार्थी बन जाएगी इन लोग. ठीक है, नहीं ये बेटा इधर देख ले. मिस्टर आबा एंड मिस्टर बाबा आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब अर्धा आबा का अर्धा बाबा का. हुज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज अंडर्स. ठीक है, बैलेंस शीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा. आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं पता है किसी को? डिसोल्यूशन में कितने अकाउंट बनते बेटा? कौन कौन सा है कोई माइकल लाल बताएगा? पहला बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश बैंक अकाउंट. ठीक है, चौथा क्या बनता है? किसका लोन? अगर दिया हो तो बैलेंस शीट नहीं बनता है. यही चीज याद रखना है. और अगर सभी के सभी पार्टनर अगर इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं तो अपने को लाइबिलिटीज अकाउंट बनाकर डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ता है. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन. सेंट्री क्रेडिट आएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या है वो? आउटसाइडर लाइबिलिटी. कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. कैश इन हैंड कैश अकाउंट के डेबिट साइड. कैश अकाउंट के डेबिट साइड. स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. दिस इज नॉट दी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन में जाएगा. डेटर्स रियलाइजेशन डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन डेबिट. फर्नीचर और प्लैनेट बिल्डिंग रियलाइजेशन के डेबिट. डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन बनता है. एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ में रिवैल्यूएशन, जिसे हम पीएनएल एडजस्टमेंट बोलते हैं. डेथ बोला रिवैल्यूएशन, रिटायरमेंट बोला रिवैल्यूएशन, एडमिशन बोला रिवैल्यूएशन, डिसोल्यूशन बोला रियलाइजेशन. गलती से नाम इधर उधर किया तो पता चला चेक करने से पहले जीरो मिल जाएगा. जिस बच्चे को रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में फर्क नहीं मालूम है वो आगे करेगा क्या, ये कॉन्सेप्ट आता है दिन. ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टनर द फर्म इज डिसॉल्व. डिसॉल्व्ड मतलब डिसोल्यूशन आ गया. कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खस्ता होने की वजह से, खराब होने की वजह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि बिजनेस अपन क्या करेंगे, बंद. आबा एंड बाबा आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनी थिंग फ्रॉम देयर प्राइवेट स्टेट, हेंस दे आर डिक्लेयर्ड एज इनसॉल्वेंट. सर ये कौन था? पहले ही बॉल पे आपने क्या किया? क्लीन बोर्ड पहला ही सम लिया जिसमें दोनों के दोनों पार्टनर क्या हो गए? इनसॉल्वेंट. क्या ये नॉर्मल सम हुआ? नहीं सर. ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है, रिविजन में सब कुछ अच्छी चीजें कवर हो रही है. हमने पहला ही सम लिया जिसके अंदर ऑल पार्टनर क्या हो गए सर? अगर दो पार्टनर थे और दोनों के दोनों पार्टनर क्या हो गए? इनसॉल्वेंट हो गए.
तब वक्त भी बदलेगा, जज्बात भी बदलेगा, करने का तरीका भी बदलेगा। तब क्या करेंगे सर? पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा क्या? यस सर बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा क्या? यस सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। तीसरा कैपिटल अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट बनेगा क्या? यस सर कैश अकाउंट बनेगा। और साथ ही साथ एक और अकाउंट बनेगा जिसको हम लोग लेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। सर और एक अकाउंट बनेगा आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि इस सम में अपने को एक ही आउटसाइडर लायबिलिटी थी, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर, जिसको हम कहाँ डाल रहे थे सर? रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, अब उसका खुद का एक अकाउंट बन जाएगा। प्रॉब्लम है, एक ही आउटसाइडर है ना, काम बहुत आसान है इसका मतलब। समझा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? डेफिशिएंसी अकाउंट कब आता है? जब दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर क्या हो जाते हैं? इनसॉल्वेंट। इस सम के अंदर दो ही पार्टनर थे, दोनों के दोनों पार्टनर क्या हो गए? इनसॉल्वेंट। मतलब पहला ही क्वेश्चन अपने को परफेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन दिया बेटा? द असेट आर रियलाइज एज फॉलो, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड डेटर्स। रियलाइज बोला है सर, क्या बोला है? रियलाइज। रियलाइज मतलब असेट बेचा, असेट बेचा, पैसा आएगा, असेट जाएगा, पैसा आएगा, असेट जाएगा, पैसा आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट बोल सकते हैं क्या? यस सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। टू असेट्स? नहीं सर, असेट की जगह पे लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखोगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो? एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। खर्चा किया किसने? किया फॉर्म ने किया, खर्चा किया, खर्चा है, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? डेबिट। तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। दिक्कत है क्या बेटा? बात समझ में आई है? सर मेरे को नहीं समझ में आया, मैं डर जाता है जब भी क्वेश्चन पड़ता है उसमें, अगर कोई इंसॉल्वेंसी आ गया तो मेरे अंदर कपकपा जाता हूं मैं। होता है ना कभी कभी, ऐसा होता है कि नहीं कि तुम लोगों के साथ? सर डिसोल्यूशन इतना अच्छा था ना कि मेरे को प्रीलिम में भी टैली हुआ, मेरा सेमेस्टर में भी टैली हुआ, मैंने जितना भी पेपर किया सब में टैली हो गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंसॉल्वेंसी देख के मेरी समझ रहे विनोद? अब क्या किया जाए? तब समझो ये इंसॉल्वेंसी वाला सेंटेंस नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सब करने की कोशिश करने का। समझो सबसे पहले क्या करो, रियलाइज सब पोस्टिंग करेंगे एक अकाउंट बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। यस और नो? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं मैं। सबसे पहले एक बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, सन्ड्री क्योंकि इंसॉल्वेंसी है ना। और अगर आपको लगता है सर मेरे को ये जमेगा नहीं, तो ये छोड़ के बाकी सब करने की कोशिश करने का। और एक अकाउंट बनेगा अपना डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट। प्रॉब्लम है क्या सर? डेबिट इधर क्या लिखते हैं? डेबिट। इधर क्या लिखते हैं? क्रेडिट। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा क्या? नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे लोग है, मैं तो फुकट ही तुम लोग के ऊपर ऐसा गर्म होता हूँ, तुम लोग एकदम चांगला हो। चलो ध्यान दो, सबसे पहला आइटम क्या दिया सर? सन्ड्री क्रेडिटर। किधर जाने का? क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड। लायबिलिटी वाले जितने भी आइटम है वो सभी आइटम कहां जाते हैं सर? क्रेडिट साइड। तो सन्ड्री क्रेडिटर भी किधर जाएगा सर? लायबिलिटी क्रेडिट साइड। तो सन्ड्री क्रेडिटर में क्रेडिट में जाओ, क्या लिखूंगा सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर अमाउंट 16,000। सबको पता है ना? सबको मालूम है, मेरे को भी पता है। आगे कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। 2,000 2,000। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाओ, ठीक है?
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आबा और बाबा, ये तीसरा वाला नहीं छे, आबा और बाबा, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2001 का 2012 का, यस और नो? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस? अरे बाबा, ओ बाबा, समझ जाना। हाँ चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या दिया, यहाँ तो हो गया, अब असेट की तरफ आओ। पहला क्या दिया, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, क्या लिखोगे वहां पर? हाँ तो कैश अकाउंट अपन ने बनाया है सर, यस सर। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, लिखोगे क्या? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाउ मच अमाउंट? 500, ठीक है। अभी हमारा जो स्टाफ है ना, उसने गलती से यहाँ पर लाइबिलिटी लिखा है, वो कॉपी पेस्ट में है, आज का उज्ज्वल भविष्य कॉपी एंड। हाँ तो समझ जाना बेटा, ऐसा गलतियाँ मत ढूंढो। सो मम्मी को, मम्मी मम्मी तुमको पता है आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मम्मी बोली बेटा तेरी जिंदगी में ऐसा क्या घटित हो गया, क्या तू बहुत ज़्यादा खुश है? मम्मी मैंने सर की गलती पकड़ के आया। सर सर जी पूरा साल गलती पकड़ता, अब उसको एक्साइटमेंट नहीं था, आज ज़्यादा गलतियाँ पकड़ के आया है भाई। चल आगे देखो बेटा। कैश बैंक हो गया 500 रुपया। अब स्टॉक रिएक्शन डेबिट में डेटर भी आएगा, प्लांटर मशीनरी फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक कितना? 4,500। डेटर्स 4,000, प्लांटर मशीनरी फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग। तो स्टॉक है कितना रुपया तेरा बोलना? हाँ तेरा तेरा डेटर है, तू डेटर, डेटर का वैल्यू 4,000। तू प्लांटर मशीनरी वैल्यू बोल 5,000, 2,000। तू अपना अपना नाम याद रखने का, अभी क्या बार 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 करेंगे, आंखें चुंदिया आ जाएगी। चलो गलत अमाउंट बता रहे, तुम लोग ही मार खाएंगे, अपना अपना अमाउंट याद रखो। चलो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या क्या लिखेगा? टू असेट्स, पहला पहला तेरा नाम क्या है? स्टॉक। दूसरे का नाम डेटर्स, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 4,500। डेटर 4,000, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग। देखा टोटल करो, 4,2,6,5,11,19,500। यस और नो? हो गया सबका पक्का? पोस्टिंग हो गया बैलेंस शीट के सारे आइटम्स की पोस्टिंग हो गई क्या? यस और नो? सर एक आइटम होगा था, सेंट्रीगेटर को सेंट्रीगेटर में डाला, असेट को यहाँ पर डाला, कैश बैंक को कैश बैंक के डेबिट में डाला, और पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में डाला, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देखो। आभा एंड बाबा आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग फ्रॉम द प्राइवेट साइड, या एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकते वो, क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज दे आर इंसॉल्वेंट। और पार्टनरशिप फॉर्म में थे ही कितने लोग? दो। दोनों के दोनों बर्बाद, दोनों के दोनों कंगाल, एक रुपया नहीं दे सकते फूटी कौड़ी। भाई साहब तू तो गेम कर गया हमारे साथ। तो इन दैट केस हम क्या बनाएंगे सर? डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे, क्लियर है? तो डेफिशिएंसी अकाउंट करने से पहले बाकी के सारे आइटम्स कर लेते हैं। चलो वापस से, द असेट रियलाइज एज फॉलोज। पोस्टिंग क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखेगा? रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखेगा? ठीक है, कैश बैंक। अब वैल्यू कितनी दे रही? 3,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 3,000। फर्नीचर की वैल्यू और लैंड एंड बिल्डिंग 2,000। और डेटर की वैल्यू कितनी है? 1,000 ओनली, ठीक है। याद रखना अपना नाम याद रखने का। हाँ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर। स्टॉक 3,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,000, फर्नीचर 1, बिल्डिंग 2, और ये 1। 3,3,1,2,1 कहाँ डालेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। पहला नाम क्या आएगा सर? स्टॉक।
कितना 3000। दूसरा प्लांटर मशीनरी कितना? तीसरा फर्नीचर 1000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2000 और डेटास 1000। ऊपर नीचे वैल्यू का चलेगा क्योंकि ना वैल्यू तो वही है, 3 3 6 7 7 3 10। ठीक है, अब एंट्री का हमारा था कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने क्या लिखा? कैश अकाउंट। अब क्या करूंगा? कैश के डेबिट में जाने का क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन। हाउ मच? 10000। प्रॉब्लम है क्या बेटा? यस और नो? डिफिकल्टी? फर्स्ट एडजस्टमेंट में का डाउट था क्या? असेट्स को रियलाइज कर दिया, अब आगे क्या बोलता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। एंट्री क्या थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। रियलाइजेशन के डेबिट में जाने का क्या लिखने का सर? क्या लिखेंगे बेटा? कैश बैंक यानी कैश अकाउंट, और कैश बैंक के क्रेडिट में आके क्या लिखेंगे? रियलाइज। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा टू कैश बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कितना? 500 रुपया। दिस इज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। और कैश बैंक के क्रेडिट में क्या लिखा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच? 500 रुपया। प्रॉब्लम है क्या? सम खत्म? सम में और कुछ बोला है क्या? देखो सरा, देखो लास्ट के सेंटेंस में कुछ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। सम में और कुछ भी बोला नहीं है। तो अब ये सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए सर? इंसॉल्वेंट हो गए। यस और नो? अभी तो हम लोगों ने देखा, अभी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन के अंदर सभी के सभी पार्टनर क्या हो गए सर? इंसॉल्वेंट हो गए। अब करने का क्या बेटा? सबसे पहले किसको क्लोज करने का? कैश अकाउंट को। किसको क्लोज करने का? कैश अकाउंट क्लोज करने का। जो भी पैसा बचेगा वो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में। किधर जाएगा सर? क्रेडिटर। और क्रेडिटर का जो भी पैसा बचेगा वो किधर जाएगा? डेफिशिएंसी में। यस और नो? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? कैश अकाउंट का पैसा किधर जाएगा सर? क्रेडिटर्स में। कितना किधर जाएगा? क्रेडिटर में। क्रेडिटर का जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कहां जाएगा सर? डेफिशिएंसी में। समझा? कैश अकाउंट टैली करके क्या मिलेगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर से पैसा किधर आएगा? डेफिशिएंसी। क्लियर है? अब सेकंड, फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल से पैसा किधर आएगा? डेफिशिएंसी। इधर से जाओगे तो भी डेफिशिएंसी, इधर से जाओगे तो भी डेफिशिएंसी, किधर से भी जाओ मिलने वाला क्या है? डेफिशिएंसी। क्लियर है क्या? कहां से जाओ बोलो? लॉजिक ये बोलता है, मैजिक ये बोलता है? लॉजिक बोलता है पहले पैसा पता करो कितना तुम्हारे पास है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट क्लोज करो बेटा। कैश अकाउंट अपने पास है क्या? चलो इधर टोटल करो, 10500, उधर 500 ही था ना शायद। तो इधर टोटल कितना? 10500। इधर भी 10500, उसमें से 500 गया तो बचा कितना? अब ये जो पैसा वो किसको जाएगा? आउटसाइडर। आउटसाइडर बोले तो कौन? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को कितना मिलेगा? 10000। यानी कैश अकाउंट मेरा क्या हो गया? टैली। अब मुझे वापस कैश में आने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम। अब सेकंड क्या करेंगे सर? पहला कैश के क्रेडिट में कौन है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के डेबिट में कौन रहेगा? कैश। तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में आओ, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में आओ। क्या लिखा? टू कैश। हाउ मच? कैश अकाउंट क्लोज किया, उधर से किधर आ गया सर? क्रेडिटर में। अब क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करो क्या मिलेगा? डेफिशिएंसी। 16000, इधर भी आ जाओ 16000, उसमें से 10 गया तो बचा कितना? 6000। क्या बोलेंगे इसको? डेफिशिएंसी। देने की इच्छा थी लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। यहाँ पे डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाउ मच?
प्रॉब्लम है क्या? पक्का? यस और नो? अब वापस से फर्स्ट इम्पैक्ट खत्म, अब यहाँ पे आ जाओ लाइन से। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले देखो रियलाइजेशन के डेबिट में कितना अमाउंट है, 19,500 या 20,000 हो गया, तो 20,000 यहाँ पर लिखा, ये 20,000 यहाँ पर भी लिखा, उसमें से 10 गया तो बचा कितना, 10। दोनों इक्वल पार्टनर है सर, तो क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो क्या बोलेंगे इसको, आबा और बाबा, 5,000 आबा का और 5,000 बाबा का। प्रॉब्लम सर, क्रेडिट का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, 5,000 आबा और 5,000 बाबा। नाउ टेक द टोटल, 5,000 इधर, सेम इफेक्ट इधर, 5,000 5,000, तो इधर 3, इधर 3 आ गया, 3,000 3,000। सर कम है ना, कैश तो आ नहीं सकता, कैश तो क्लोज हो गया, तो क्या डालेंगे, डेफिशिएंसी। सर यहाँ कहाँ पर है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट, तो डेफिशिएंसी के डेबिट में जाओ, क्या लिखोगे वहां पर, आबा और बाबा, तो आबा कैपिटल अकाउंट और बाबा कैपिटल अकाउंट, आबा कैपिटल अकाउंट और बाबा कैपिटल अकाउंट, कितना सर, 3,000 रुपया आबा और 3,000 रुपया बाबा, दोनों टैली हो रहा है, तो इसका अपना समसर क्या है, राइट। सबसे पहले याद रखो सीक्वेंस, आपको कैश से आउटसाइडर की तरफ जाना, आउटसाइडर से किधर आना है, डेफिशिएंसी, उसके बाद रियलाइजेशन से पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल साइड, और ये दोनों में कॉमन है, मतलब डेफिशिएंसी क्या होना चाहिए, टैली, समझा? सब में कोई डिफिकल्टी है क्या, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस हाँ है ना, आगे बढ़े क्या? डेक्स हम क्या बोलता है, देखो जरा दिख रहा है क्या बोला है, ए एंड बी, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, ठीक है सर, ए बी और सी, तो इसका मतलब ए का क्या रहेगा बोलो, तो बी का क्या रहेगा 2 और सी का क्या रहेगा 1, 2/5, 2/5, 1/5, प्रॉब्लम है क्या, हाँ है ना, आगे अब पोस्टिंग की बारी है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, उसके बाद एज लोन, ए हमारा पार्टनर है हाँ, तो इसका मतलब इसका लोन अकाउंट बनेगा, एंड लोन अकाउंट बनाने के तो कहाँ पे डालोगे, क्रेडिट साइड, किधर, और बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, डिफिकल्टी। मशीनरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट, डेटर्स रियलाइजेशन डेबिट, आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, अलग अलग हो जाते, बिछड़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट साइड, पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, बैंक बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या करना रहता है, पोस्टिंग। ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस बंद। एसेट वेर रियलाइज एज मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, रियलाइज बोला है, रियलाइज मतलब बेचने की बात चालू है ना बेटा, रियलाइज मतलब क्या हो रहा है सर, बेचने की बात चालू है, तो बेचने की बात चालू है तो कैसे करेंगे, चलो रियलाइज बोल रहा है ना, तो बेचने की बात चालू, तो बेचेगा तो एंट्री क्या आएगी बोलो, हाँ क्या बेच रहा है, मतलब कैश मनी आएगा, और असेट रियलाइज एज अंडर, तो क्या क्या असेट बेच रहा है, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटा, चार असेट बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 1,500, ये भी कर देंगे, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज, वो भी हो जाएगा। पास द नेसेसरी जेंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म,
क्या क्या पास करने बोला है? जर्नल एंट्रीज पास करने बोला है। कर सकते हैं? कैसे करेंगे जरा बताते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे। अब मैंने जहां जहां पे पोस्टिंग आपको बताई है उस हिसाब से आपको क्या करना है, पोस्टिंग सबसे पहले वापस याद रखो, सबसे पहले पोस्टिंग। यहाँ पे क्या बोला है सर? जर्नल एंट्रीज। क्या बोला है? जर्नल एंट्रीज। तो अपन लेजर पे फोकस करेंगे क्या? नहीं। लेजर अगर तुमको बनाने आता तो लेजर को जर्नल में कन्वर्ट करना आता है। मैंने बताया था टॉप टू टॉप अकाउंट डेबिट टू, याद है कि नहीं, बॉटम। फिर मतलब एक अकाउंट यहां पर है, ठीक है, तो जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और फिर बाय वाले तो बाय अकाउंट डेबिट टू टॉप, ऐसा चलता रहता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू असेट्स, तो असेट्स का पूरा क्या आएगा सर? नाम। और फिर अगर बाय में दिया तो बाय बोला है तो इसका मतलब वो डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी जर्नल से लेजर करते तो आज क्या करना, लेजर से जर्नल। चलो पोस्टिंग देखते हैं। पहला क्या बोला? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड अमाउंट कितना? 30, 10 और 10। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाओ, क्या लिखोगे वहां पे आके? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए बी और सी, ए बी और सी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 30,000, 10,000, 30, 10 और 10, 30, 10 और 10, ठीक है। अमाउंट कितना? 30,000, 10,000, 10,000, 30,000, 10,000। ओपनिंग की कभी भी एंट्री आती है क्या? ओपनिंग की कभी एंट्री आती है क्या? नहीं। नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है? जनरल रिजर्व। कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना है? 3,000। चलो तो 3,000 को डिवाइड करना है रेशियो में। 3,000 को डिवाइड करना है किसमें? रेशियो में। क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय जनरल रिजर्व। अब डिवाइड किसको करना है? 3,000 को। तो आ कर सकते हैं, करके दिखाओ जरा। 3,000 डिवाइडेड बाय 5, 600 आया। 6 into 2, यस और नो? बाकी करने की जरूरत नहीं है, यस और नो? चलो आगे देखो, क्या इसकी पोस्टिंग आएगी? क्या इसकी पोस्टिंग आएगी? बाय बाय, तो एंट्री आना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री आती है क्या? नहीं। बट जनरल रिजर्व की तो एंट्री आएगी। एंट्री क्या आएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। क्या बोला? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 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 एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। मेरा इंटेंशन क्लियर है कि भाई मेरे को सम करवाना है, ना कि क्वांटिटी। क्वालिटी ऑफ सम पे मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी पीवाईक्यू की लिस्ट मिल जाएगी तो बाकी तो तुम लोग तुर्रम खान है ही। 1200, 1200 और 600, टोटल कितना हो गया? 3,000। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर। डिफिकल्टी है क्या? जनरल भी कर रहे हैं, लेजर भी कर रहे हैं। क्रेडिटर किधर आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कितना? 20,000। तो कहाँ जाओगे? तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाओ। क्या लिखोगे वहां पर? बाय क्रेडिटर्स, बाय लाइबिलिटीज लिखो। उस लाइबिलिटीज में पहला आइटम आएगा क्रेडिटर्स। हाउ मच? 30,000, 20,000 पक्का? ओके, 20,000। फिर आ जाओ, एक और आइटम बोला है एज लोन अकाउंट। ये हमारा पार्टनर है तो उसका अकाउंट बनेगा क्या अलग से? हाँ सर। कितना? 4,000 का,
तो एज लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, यस और नो? तो समझो मैंने यहाँ पर ही बना दिया। बाय 4000। एज लोन अकाउंट क्या होगा? पार्टनर है इसलिए उसका अकाउंट बनाना पड़ा। बैलेंस की एंट्री आती है क्या? तो जर्नल एंट्री में अभी तक एक भी एंट्री आई नहीं, इसको छोड़ गया आएगी इसकी। नेक्स्ट आइटम क्या बोला है? टैक्स एंट्री क्या है? कितना? 7000। रियलाइजेशन के कहां पर आएगा सर? क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाओ, क्या लिखोगे? बाय बिल्स पेबल, या साथ में लिखा तो भी चलेगा। 20 और 7 कितना हो गया? एंट्री बनती है क्या बेटा? बनती है क्या एंट्री? बनती है क्या? क्या एंट्री है? सत्ताईस है ना यहाँ पे, 27। तो एंट्री बनाओ, क्या एंट्री बनेगी बताओ? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर 20000, बिल्स पेबल 7000, टोटल हो गया 70। बींग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल ट्रांसफर, समझा? यानी अगर तुमको लेजर आता है तो तुम जर्नल में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट। सिंपल है। आगे बढ़े, एसेट की बात करते हैं। मशीनरी कितना? स्टॉक डेटर्स 27500। डेटा अमाउंट दिख रहा है ना सबको? तो बाद में बोले सर मेरे को दिखाई नहीं दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 12000, प्रॉफिट एंड लॉस 9000 और बैंक। तो सबसे पहले कितना आइटम ट्रांसफर करेंगे? 1 2 3 4, 4 आइटम ट्रांसफर हो गए रियलाइजेशन में। मशीनरी तेरा अमाउंट कितना है? स्टॉक तेरा अमाउंट कितना है? डेटास तेरा अमाउंट कितना है? और इन्वेस्टमेंट तेरा अमाउंट कितना है? 12000। आरडीडी बताएंगे ना, आरडीडी याद रखेगी। क्या 26 डाल सकते हैं? ऐसा मना नहीं कर रहा, 26000, लेकिन कैसा? दो अलग अलग दिखाना पड़ता है। डिसोल्यूशन में बताना जरूरी है कि आपकी आरडीडी कितनी है, समझा? जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक आपको वैल्यू समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है? तो मशीनरी का वैल्यू कितना है? 25000। कहाँ पे ट्रांसफर होगा बताओ? टू असेट्स। चलो मशीनरी का वैल्यू कितना है? 25000। नेक्स्ट बोलो, स्टॉक कितना? 10000। नेक्स्ट डेटास 27500, जिसमें से आरडीडी भी था 1500। इसका मतलब इसका एंट्री पास करना पड़ेगा, एक और एंट्री आएगी। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट 12000, टोटल 4 आइटम था ना टोटल, 35, 37, 54, 500। चेक कर लेना बेटा, एंट्री बनती है क्या? एंट्री बनती है? अभी एंट्री तुम मारोगे मैं मारा हूँ, चलेगा ना? कर सकते हैं क्या? एंट्री मारेगी बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अच्छा, असेट्स नहीं लिखेंगे वहां पे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू इन्वेस्टमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, टू इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर हो गया। अब आरडीडी की भी एंट्री आएगी। आरडीडी की एंट्री क्या आएगी? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? दो तीन बार बोल रहा तो
लिख भी सकते हैं तुम लोग, कंबाइन करके लिखा तो भी चलेगा। अब देखो कुछ बचा कुछ आएगा बेटा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है सर? 9000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आके क्या लिखना है सर? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितना है? 9000। रेशियो हो गया 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1800। 18 दुनी 36। 18 दुनी 36। 18 एक कम 18। रेशियो में समझा, डिवाइड कर दिया, प्रॉब्लम है क्या? चलो आगे बढ़ते। अच्छा इसकी एंट्री आएगी क्या? एंट्री नंबर 5 क्या लिखोगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला एंट्री? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। दिक्कत है। नेक्स्ट आइटम क्या है? कैश बैंक। कैश बैंक का अमाउंट किधर कितना है सर? 2000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है सर? 2000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा वो देख लेना क्या लिखा है, कितना अमाउंट है सर? 2000। ये नहीं है पक्का। पोस्टिंग वाले सारे आइटम हो गया, क्या इसकी कोई एंट्री बनती है? नहीं, बैलेंस की कभी भी एंट्री बनने वाली नहीं है, पक्का। अब किसके एंट्री नेक्स्ट वाला करोगे? एडजस्टमेंट के लिए। एडजस्टमेंट का रियलाइजेशन दिया है क्या? कितना दिया देखो जरा, असेट रियलाइज एज अंडर मशीनरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर। असेट रियलाइज की एंट्री क्या बनती है बताए ना? असेट बेचा पैसा आएगा, असेट जाएगा, एंट्री क्या बनती है इसकी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब सर एंट्री क्या बन रही है? कैश बैंक के डेबिट में जाके रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके कैश बैंक। एंट्री भी हो गई, काम भी हो गया। टोटल कर, चारों को टोटल कर बेटा, 22 और 9 31 500 32 32 42 42 और 2 44। सच्ची 64,500 समझा? तो क्या करना है सर बताओ? कैश बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखना है? कैश बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखना है? टू रियलाइजेशन। कैश बैंक के डेबिट में जाके लिखना है टू रियलाइजेशन अमाउंट 64,500 और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आगे लिखना टू बाय कैश 64,500। बट इसमें इलाबरेट करना पड़ेगा, मशीनरी कितने का, स्टॉक कितने का, डेटर कितने का, इन्वेस्टमेंट कितने का, वो लिखना पड़ेगा। लिख लेना तुम लोग ऐसा क्या। ओके बस प्रॉब्लम है क्या? मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बोलता है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 1500। खर्चा है, खर्चा इज ऑन डेबिट साइड, तो एक्सपेंसेस की एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, मतलब बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखेगा? टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में क्या लिखेगा? रियलाइजेशन अमाउंट 1500। समझा? एंड उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 12,000। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल असेट की लाइबिलिटी है, असेट उसका रियलाइजेशन है। तो रियलाइजेशन मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझा? पहला खर्चे का एंट्री, दूसरा गुडविल का एंट्री। खर्चे का क्या एंट्री है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटा रियलाइजेशन के डेबिट में जा, क्या लिखेगा बोल? टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन के डेबिट में आके क्या लिखना है? टू बैंक।
टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में आके क्या लिखना है? अमाउंट 1500. ये हो गया आपका खर्चे का. अब आपने गुडविल रियलाइज किया था, उसकी एंट्री क्या लिखा था मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा था? टू अमाउंट 12,000, और इसके बाद रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखा? बाय गुडविल रियलाइज 12,000. प्रॉब्लम, सारा सेट हो गया, सब कुछ हो गया, एडजस्टमेंट वगैरह खत्म. सिर्फ आपको नजर रखना है क्या कोई एसेट बचा. सर कोई एसेट बचा नहीं है. बट सर कहीं पर भी, कहीं पर भी लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया तो सर उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, पे ऑफ तो करना पड़ेगा. तो पे ऑफ करेंगे तो एंट्री आएगी क्या? पे लायबिलिटी किधर है सर? क्रेडिट साइड. तो पेड ऑफ होगा तो किधर आएगा? डेबिट साइड. क्या लिखोगे? टू बैंक. क्रेडिटर का 20,000, बिल्स पेबल का 60, टोटल कितना हो गया? 27. सर आरडीडी नहीं लेने का. क्यों नहीं लेने का? क्योंकि वो डेटर के साथ एडजस्ट हो जाता है. अब रियलाइजेशन के डेबिट में कौन आया? बैंक. तो बैंक के क्रेडिट में क्या आया? रियलाइजेशन 27,000. यस और नो? मैंने आपको पहले भी बताया है क्या करने का. इसका एंट्री तो आने वाला ही है. न्यू एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? आएगी. बट अगर लायबिलिटी पेड ऑफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब लायबिलिटी आपको क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी. अरे एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या समझने का? जीरो. बट लायबिलिटी की वैल्यू रहेगी तो उसको अज्यूम करके आपको पेड तो करना पड़ेगा. जैसे ए अपना पार्टनर था, उसके लोन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है तो उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसको भी पे करना पड़ेगा ना. कितना? 4,000. तो ए के डेबिट में बैंक आया तो बैंक के क्रेडिट में क्या आएगा? एज लोन. ये सबकी क्या बनेगी? एंट्री बनेगी. ये सबकी क्या बनेगी सर? एंट्री बनती जाएगी. अब लास्ट में क्या करना है? टैली. टैली करने का इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा कहाँ पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल. इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो किधर आएगा? कैश बैंक. कैश बैंक क्या होना चाहिए? समझा? हाँ, है ना. जो भी आप लेजर में कर रहे हो उसी को आपको क्या करना है? जनरल में करना है. दैट्स इट. पक्का? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं. अब मेजॉरिटी सम आप लोग कर सकते हो क्योंकि आपको बेसिकली दो सम ही मैंने ऐसा ले लिया स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा बड़ा था. देखो अकबर और बीरबल आगे परेशान करने. देखो क्या बोलते बेटा? अकबर एंड बीरबल वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो रिस्पेक्टिव. द बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2013 वाज एज फॉलोस. ठीक है. कैपिटल किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर डेटर्स आरडीडी रियलाइजेशन क्रेडिट. स्टॉक डेबिट. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड. पोस्टिंग में डिफिकल्टी है क्या? ऑन द अबाउट इट द फर्म वॉट डिजॉल्व एंड द असेट रियलाइज एज फॉलो. डिजॉल्व. डिजॉल्व मतलब बंद कर रहे हैं. असेट की वैल्यू देखो. प्लांट एंड मशीनरी 30,000. सेंडरी एटर 58. कितने असेट बिके खाली? दो. दो असेट बिके. एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कर लोगे? यस और नो? ये लाइन में कोई दिक्कत? Now come to second. Ledger करना है. मतलब cash bank के debit में क्या लिखोगे? To realization. Realization के credit में क्या लिखोगे? Buy cash bank. Plant and machinery 30,000. Debtors 58. Total 88. दोनों जगह पर. Furniture was taken over by Akbar and stock by Birbal. Furniture कौन लेकर गया? तो furniture आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. स्टॉक जा रहा है. तो जाते हुए को क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन. क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी. अब वो जा रही है किसके पास? अकबर के पास और बीरबल के पास.
तो अकबर में अकबर का नाम आएगा, बीरबल में बीरबल। अकबर का अमाउंट 10,000, बीरबल का अमाउंट 27,000, कोई दिक्कत? तो अकबर कितना 10,000 और बीरबल कितना 27,000, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अकबर के डेबिट में रियलाइजेशन 10,000, बीरबल के डेबिट में रियलाइजेशन 27,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय अकबर बाय बीरबल, अकबर के सामने 10,000, बीरबल के सामने, यस और नो? सेंड्री क्रेडिटर वेयर पेड 38,000 इन फुल क्लेम। सेंड्री क्रेडिटर का पैसा दे दिया, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बेटा जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। क्रेडिटर का पैसा पे कर दिया, पैसा आएगा कि जाएगा टू बैंक या टू कैश बैंक, जो भी है। तो डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन। अमाउंट क्या आएगा? 38। रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 38,000 और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 38,000। क्लियर है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेम। रियलाइजेशन के डेबिट में 2,000 और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 2,000। उसके बाद बाकी के अकाउंट को क्या करना है? क्लोज। प्रॉफिट होगा ट्रांसफर, कैश अकाउंट शुड बी टैली, कैश बैंक टैली हो जाना चाहिए। सिंपल? हाँ है ना? नेक्स्ट देखो, कुछ देखा देखा लग रहा है? अब भी चपो ने किया। अश्विन भाविन एंड प्रवीण कैरीड ऑन अ बिजनेस, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, 10। अभी क्या दिया? चलो इसका करते, चलो कौन बताएगा? माइका लाल या लल्ली? सेंट्रल क्रिएटर किधर आएगा बेटा? चलो अभी मैं करता हूँ, गलती तुम लोग पकड़ने का। भाविन लोन, भाविन का लोन अकाउंट बन जाएगा ना सर? वेरी गुड। भाविन का लोन है तो भाविन का लोन अकाउंट बनाओ, उसके क्रेडिट साइड में डालो। किधर डालो? आगे रिजर्व फंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेबिट आरडीडी, क्रेडिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट से। पोस्टिंग में कोई डाउट? ऑन दैट अबाउट इट द फर्म वॉट डिसऑर ऑन द असेट रियलाइज एज अंडर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक एंड डेटा रियलाइज हो गया। रियलाइज मतलब बेचा, पैसा आया, पैसा आ रहा है, असेट जा रहा है। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो? 10,000 प्लस 88,000। तो पहला एंट्री कितने का आएगा सर? 88,000 का आएगा। कितने का आएगा सर? अरे प्रॉब्लम है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस 88,000 का एंट्री। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी वेयर टेकन ओवर बाय एट बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है सर? 40। कौन लेके जा रहा है? प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, जाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। टू प्लांट एंड मशीनरी आएगा क्या? नहीं सर। क्या आएगा उसकी जगह पर? टू रियलाइजेशन। तू हमारा कभी हुआ करता था, आज से तू नहीं है। कौन है? रियलाइज। कौन लेके जा रहा है? तो एंट्री क्या आएगी? अश्विन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अश्विन के डेबिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में अश्विन। अमाउंट 40,000। अमाउंट कितना आएगा? 40,000। प्रॉब्लम है क्या बेटा? सेंट्रल क्रेडिटर एंड भाविन लोन वेयर पेड इन फुल। पैसा पूरा देने का किस किस को? क्रेडिटर को भी और भाविन को भी। भाविन अपना पार्टनर है, क्रेडिटर अपना पार्टनर है क्या? नहीं। पैसा तो देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर का एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउ मच? क्रेडिटर का अमाउंट कितना बेटा? 42,000।
बट भाविन तो अपना दोस्त है ना, अपना पार्टनर है, तो उसको क्या देंगे? भाविन लोन टू बैंक, भाविन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाविन का लोन कितना है? 10,000। भाविन का लोन कितना है? तो रियलाइजेशन के डेबिट में आगे क्या लिखेगा? टू बैंक। बैंक के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। भाविन लोन के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू बैंक। बैंक के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? भाविन लोन। सिंपल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनका 2000, खर्चा किया एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हाउ मच, बस बाकी सब क्या करने का? टोटल वोटल करके टैली करने का। क्लियर है? यस और नो? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोलता है? राम लक्ष्मण एंड भरत। अब बीच अपन ने ऐसा कुछ सम देखा देखा लग रहा है ना, अब बीच जैसा अपन ने क्या 2:1 वाला, यस और नो? उसमें अमाउंट 24 था, इसका अमाउंट 96 है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वहां पर 4,000 था, यहाँ पर कितना है? खाली 4 गुना कर दिया बस। ठीक है, अब भी जैसा सम अपन ने किया था सेम सम है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आया हुआ था, याद है? हाँ है ना? बस इसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना है। क्लियर है? सेम सम है, अब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अमाउंट खाली 3 गुना 4 गुना कर दिया है बस। पक्का? वहां पे देखा ना 30,000 था, 10,000 था। पक्का एबीसी वाला सम था ना? वही है, सेम सेम सम है, सेम वैरायटी है। तो सेम वैरायटी है तो क्या करने का? एक बार प्रैक्टिस करा तो करो, नहीं तो देखो क्या सेम है क्या अलग है। अब क्वेश्चन है, देखो कुछ अलग लग रहा है क्या? देखो राहुल रोहित एंड रमेश वेयर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, सेंट्री क्रिएटर सब कुछ देखो, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लगेगा। सेंट्री क्रिएटर कौन है? लाभ रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। राहुल अपना पार्टनर है क्या? हाँ। पार्टनर है ना, तो उसका लोन अकाउंट बनाने का, राहुल लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश बैंक बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आरडीडी स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन डेबिट, फर्नीचर रियलाइजेशन डेबिट, रमेश बट कौन से कॉलम में? रमेश के कॉलम में। द फर्म वर डिजॉल्व ऑन द अबाउट डेट। ठीक है, असेट रियलाइज, असेट क्या बोला है सर? कौन कौन सा असेट है सर? डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और फर्नीचर। असेट बेचा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? आएगा। एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट बोलो 9,000 + 26, 9 + 26 कितना हो गया? 35 प्लस 14 49 प्लस 3 52,000 डेबिट, 52,000 क्रेडिट। सिंपल है क्या? द क्रेडिटर वेर पेड 18,000 इन फुल सेटलमेंट एंड बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। पैसा तो भरा है, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो टू बैंक तो कंफर्म है ना, टू बैंक, तो डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन। अब बात आती है सर अमाउंट की, क्रेडिटर का अमाउंट कितना है सर? 18,000 प्लस, और बिल्स पेबल पूरा भर रहा है, तो बिल्स पेबल था कितना? 5, तो 18 + 5 कितना हो गया? एंट्री सिर्फ 23,000 की आएगी। एंट्री कितने की आएगी सर? 23,000 की। उससे क्या लेना देना? हमने सेटलमेंट 18 में कर दिया, दैट सेट, 20 का 20 से कुछ लेना देना नहीं है। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000, 3,000 रुपया खर्चा भी किया। एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हाउ मच?
खर्चा है ना, खर्चा इज ऑन डेबिट साइड. रमेश बिकम इंसॉल्वेंट एंड वॉज एबल टू ब्रिंग ओनली 1800 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेक. रमेश कौन हो गया? बर्बाद. मान लो ये सेंटेंस क्वेश्चन में नहीं होता था तब तक तो करना आसान था, ये आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है. रमेश कौन हो गया सर? बर्बाद हो गया. ठीक है, रमेश अगर बर्बाद हो जाता है तो 1800 रुपया तो दे रहा है ना भाई, जो दे रहा वो ले ले. बैंक अकाउंट डेबिट 1800 रुपया तो रमेश अकाउंट कितना सर? इसकी एंट्री तो आएगी. अब ये एंट्री मारने के बाद करने का क्या? क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, उससे आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? लॉस. उस प्रॉफिट और लॉस को कहां पे डालोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालोगे. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने के बाद पहला रमेश का अकाउंट क्या करो, क्योंकि वो क्या हो गया सर? बर्बाद. ये एंट्री मारने के बाद समझा, रमेश का अकाउंट क्या करो? क्लोज. कहीं पे भी डिफरेंस है, क्लोज करने का मतलब क्या आता है सर? बैलेंसिंग फिगर. कैसी बात कर रहा हूं मैं? बैलेंसिंग फिगर. उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो बाकी के दोनों पार्टनर में बांटो. दोनों पार्टनर मतलब कौन? राहुल और रोहित. कौन से रेशियो में सर? 2:2 मतलब आधा आधा, आधा इधर आधा उधर. बैलेंसिंग फिगर को राहुल और रोहित में डालो, उसका सेकेंड इफेक्ट राहुल और रोहित के डेबिट में आ जाएगा. बैलेंसिंग फिगर पता है ना कैसे होता है? हाँ, तो बैलेंसिंग फिगर डालने के बाद राहुल रोहित में डिवाइड हो जाएगा वो अमाउंट, यानी रमेश अकाउंट टैली हो गया. रमेश अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको कितने बांटोगे? राहुल और रोहित में. अब राहुल रोहित के डेबिट में लिखोगे 2 रमेश, उसका दोनों का अमाउंट आ गया. अब दोनों को क्लोज करोगे तो जो भी राहुल और रोहित का बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कैश में जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? टैली. जो आपका जो बंदा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में उसी अकाउंट को क्या करोगे? क्लोज. क्लोज करने के बाद उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर मिलेगा उस बैलेंसिंग फिगर को राहुल और रोहित के इसमें क्या करोगे? आपस में बांट दोगे. मतलब जो रमेश का कॉलम रहेगा, रमेश मान लो उसके कॉलम में डिफरेंस आया 8000 का, कितने का आया? तो 4000 आप लोग लिखोगे बाय राहुल, और 4000 आप लिखोगे बाय रोहित. समझा? और रोहित, राहुल और रोहित के डेबिट में आके 2 रमेश करके दोनों का अकाउंट क्या करने का? क्लोज करने का. क्लोज करने का जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कहां पर जाएगा? उसके बैंक में. और बैंक अकाउंट शुड गेट टैली. ठीक है, समझा? देखो ये सब भी देखा देखा लग रहा है. देखो इसके अंदर क्या क्या बोला है क्वेश्चन, देखो जरा क्या डिफिकल्टी है. कैपिटल अकाउंट किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, रिजर्व फंड, लोन फ्रॉम जय. जय अपना पार्टनर है तो उसके लोन अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ. बिल्स पेबल और क्रेडिटर, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट में, स्टॉक डेटा, हाँ, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटस, आरडीडी, क्रेडिट. प्रॉब्लम, जय टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट 27600 एंड अजय टुक ओवर द फर्नीचर. फर्नीचर लेकर जा और ये लेके जा, जा रहा है ना, बस किधर जा रहा है? जय और अजय. तो जय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. जय का कितना? 27600. अजय का कितना? 84000. टेक द टोटल, आ गया तुम्हारा आंसर पक्का. सेकेंड, द असेट रियलाइज एज फॉलोज. चार असेट है, चारों का टोटल मारोगे. ये सबका टोटल करने के बाद एंट्री क्या बनती है? कैश बैंक अकाउंट है. रियलाइज क्या मतलब? पैसा, ये सब बेचा, बेचा तो पैसा आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट.
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है? नेक्स्ट बोलो, द क्रेडिटर वेयर पेड एट ऑफ पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 900, क्रेडिटर कितना है? 30,000, 900 रुपये माइनस करो 2900, एंड अदर लाइबिलिटी वेयर पेड इन फुल, मतलब बचा क्या, यानी क्रेडिटर का अमाउंट कितना हुआ 29,100 900 रुपये डिस्काउंट देने के बाद, बिल्स पेबल कितना है 6,000, यस और नो? टोटल हो गया 35,100, एंट्री कितने की आएगी 35,100 की, पैसा दिया के लिया दिया तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आपके सामने है 35,100। जय नजर वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, बाकी सब में कुछ भी नहीं है, पक्का? ये लोन के बारे में कुछ बोला है क्या, मतलब ऑटोमेटिकली इसको क्या करना पड़ेगा सर, पेड करना पड़ेगा, बोले या ना बोले, ये हिडन एडजस्टमेंट समझो, ये नहीं बोला तो भी करना तो पड़ेगा, समझा? उसके बाद ये तो और चिंदी सम है, सबसे छोटा सम है, सबसे ये समझो पहला बेसिक सम लिया था ना अपन ने, वही है, इसको मैं आप लोग के अजय और जय अजय विजय वही आ गया वापस, ठीक है, समझा? क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा तो उसका टेंशन नहीं है, घर पे प्रैक्टिस करने का, बेसिक सम से चालू करना, जैसे पीछे से चालू करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, छोटे से बड़े सम की तरफ जाना, मेजॉरिटी पहला चीज तो दिमाग में अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि भाई अपने को डिसोल्यूशन आता है, डिसोल्यूशन चालू करने के लिए सबसे पहले बेसिक थियोरीज को अच्छे से पढ़ना, बेसिक पढ़ने के बाद, बेसिक थियोरी वगैरह पढ़ने के बाद क्वेश्चंस रिवाइज करते समय बेसिक क्वेश्चन पहले लेना, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, या तो ऐसा बोलो जो मैंने PYQ करवाया वो पीछे से चालू करना तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी भी सम के अंदर 60-90% एडजस्टमेंट कर पा रहे हो, मतलब वो चैप्टर आपको अच्छे से आ रहा है, मेहनत किधर करनी पड़ेगी 10% पे, लेकिन 60-90 में का गेम खराब करने का नहीं, समझा? जितना जमता है उतना तो करने का, लास्ट में 10% अगर 60 बोला है मतलब आपको इतना तो पता है कि किसका कहाँ पे पोस्टिंग होने वाला है, रियलाइजेशन की एंट्री क्या है, टेकन ओवर की एंट्री क्या है, फिर टैली पे फोकस करने का, ठीक है? क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस करना PYQ का, क्लियर है?